हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आप सभी का स्वागत। आज हम एसएस क्रोटो की प्रॉब्लम 1.8 पर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन सुने। अ स्मॉल बॉल थ्रोन एट एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक्स अ वर्टिकल बॉल मूविंग टुवर्ड्स इट एट ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एंड इज बाउंस्ड टू द पॉइंट फ्रॉम विच इट वॉज थ्रोन। द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। Determine the time t from the beginning of motion to the moment of impact, neglecting friction losses. So, एक बार क्या डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको समझें। एक पार्टिकल को O पॉइंट से थ्रो किया गया है, इसका वेलासिटी मैग्नीट्यूड v नॉट है और इसे हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर थ्रो किया गया है। इस पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है उस डायरेक्शन में एक वॉल v स्पीड से हॉरिजॉन्टली इस पार्टिकल की तरफ मूव कर रही है, यानी वॉल v स्पीड से पार्टिकल की तरफ आ रही है और पार्टिकल वॉल की तरफ जा रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे है। सो इस चलती हुई वॉल पे यह पार्टिकल इंपैक्ट लेगा। जिस पॉइंट पे इंपैक्ट होगा हमें नहीं मालूम कि वो पॉइंट इस प्रोजेक्टाइल पाथ का कौन सा पॉइंट है। तो एक जनरल डायग्राम इसके लिए बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक आर्बिट्री पॉइंट पे ये इंपैक्ट हुआ और अगर ये इंपैक्ट नहीं होता तो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को मैंने ये प्लॉट कर दिया है। यानी अगर ये इंपैक्ट नहीं होता तो हम ये मान रहे हैं कि ये पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी होती, ये इसका हाइएस्ट पॉइंट होता और दीवार ने चलते समय पार्टिकल से एक इंपैक्ट ले लिया। यह इंपैक्ट पाथ के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। तो किसी जनरलाइजेशन या किसी स्पेसिफिक पॉइंट को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने इस पूरे ट्रैक के किसी जनरल पॉइंट को यूज किया है। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि पार्टिकल का इंपैक्ट इस वॉल के साथ किसी भी पाथ के पॉइंट पर हुआ है। ऐसा बिल्कुल ना समझे कि यह इस पाथ का टॉप पॉइंट है या कुछ और, यह पाथ का एक जनरल पॉइंट है जहां पर इंपैक्ट हुआ है। हमें इस पॉइंट से इंपैक्ट तक के टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन टी कैलकुलेट करने का है और जो की कंसेप्ट इसमें यूज होगा वो है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्रोजेक्टाइल। इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्रोजेक्टाइल और बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकेगा अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशंस को सेपरेटली अप्लाई करें। तो कैसे होगा एक बार देखें। V नॉट स्पीड से पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे, तो इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होगी V नॉट कॉस अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा V नॉट साइन अल्फा। यहां पर सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें कि अगर ये इंपैक्ट वॉल के साथ नहीं, पार्टिकल का इंपैक्ट वॉल के साथ अगर नहीं होता तो इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट होती और इस कंप्लीट ट्रेजेक्टरी में जो टाइम लगता वो टाइम प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता, 2 × v0 sin α / g विच इज इक्वल टू 2 velocity y component / g। ये बात हमें पता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो वेलासिटी के y कंपोनेंट पर डिपेंड करता है केवल किसी पार्टिकल के लिए। So, इस पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो केवल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये समझे कि जिस समय इंपैक्ट होगा तो इंपैक्ट से पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे लेकिन इस इंपैक्ट से वर्टिकल वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दो बातें मैंने बोल दी। पहली बात, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता अगर ये वॉल बीच में ना आती वो 2 vy / g यानी 2 v0 sin α / g होता। ये टाइम ऑफ फ्लाइट केवल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात मैंने ये कही कि इंपैक्ट के समय पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी अनचेंज्ड रहेगी। तो एक जनरल सी बात कि अगर पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो फिर इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट इस कोलिजन से इफेक्टेड नहीं होगा। आप ऐसा कह सकते हैं, एक बार फिर समझे, कि पार्टिकल इस पॉइंट पे बॉल के साथ इंपैक्ट लेगा। इंपैक्ट लेते समय उसकी वर्टिकल वेलोसिटी सपोज वी वाई है तो इंपैक्ट के बाद भी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई ही रहेगी, यानी इस इंपैक्ट से वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है माने हवा में रहने तक का समय
वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। यहां पर बार बार इस बात पर ध्यान दें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज के बदलने से केवल ग्राउंड में किसी पार्टिकल के ट्रेवलिंग का डिस्टेंस बदलता है, उससे उस पार्टिकल के टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर भी इस इंपैक्ट से वर्टिकल वेलोसिटी अनचेंज्ड है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इस पार्टिकल का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इस इंपैक्ट के बाद भी, इस दीवार से टकराने के बाद भी उतना ही रहेगा जितना ये पहले था, कि अगर ये दीवार नहीं है। तो वॉल की प्रेजेंस इस पार्टिकल के टाइम ऑफ फ्लाइट को कोई इफेक्ट नहीं दे रही है। सो जो टाइम ऑफ फ्लाइट इस पार्टिकल का पहले है वही अभी भी रहेगा। बस इतना चेंज आया है कि अगर मैं ये कंसिडर करूं कि पार्टिकल ने वॉल पे इंपैक्ट आफ्टर टी सेकेंड ऑफ स्टार्ट ऑफ मोशन लिया है, तो इसके बाद जो पार्टिकल ने रिबाउंड में समय लगाया है, इस वॉल से टकराने के बाद पार्टिकल ने वापस लौटने में जो समय लगाया है, वो जो टाइम है वो होगा टी माइनस टी सेकेंड। सो रिमेनिंग रिबाउंड मोशन में जो टाइम लगा होगा वो होगा टी माइनस टी सेकेंड, और यहां से यहां तक इंपैक्ट के टाइम को हमने कंसिडर किया है टी सेकेंड। सो टी सेकेंड में पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से वॉल तक पहुंचा, और रिमेनिंग टी माइनस टी सेकेंड में वो इंपैक्ट के बाद वापस उसी पॉइंट पर आ गया जिस पॉइंट से पार्टिकल को थ्रो किया गया था। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल इंपैक्ट के बाद उसी पॉइंट पर वापस लौटता है जिस पॉइंट से उसे थ्रो किया गया है। सो पार्टिकल के जाने का टाइम टी, वापस आने का टाइम टी माइनस टी। अब ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि टी सेकेंड में पार्टिकल ने टोटल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट वी नॉट कॉस अल्फा मालूम है। सो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया इस स्पीड से टी सेकंड। तो बाय फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सो वी नॉट कॉस अल्फा इनटू टी, ये वो डिस्टेंस है जो पार्टिकल ने ट्रेवल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इंपैक्ट तक। अब वॉल में इंपैक्ट के बाद पार्टिकल ने रिबाउंड होके उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, यानी रिमेनिंग टी माइनस टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी इतनी ही है, लेकिन किस वेलोसिटी से ये डिस्टेंस ट्रेवल की गई ये पहले हम मेजर कर लेते हैं। तो जब इंपैक्ट हुआ तो जस्ट इंपैक्ट से पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी नॉट कॉस अल्फा ही रही। यहां पर ये ध्यान रहे कि जब एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मोशन करता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण चेंज होती रहती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी एक्सेलरेशन से अफेक्टेड नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो जो वेलोसिटी वी नॉट कॉस अल्फा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड अनचेंज रहना चाहिए। सो वी नॉट कॉस अल्फा वेलोसिटी कंपोनेंट से ही पार्टिकल ने इंपैक्ट लिया वॉल पे, और जिस समय यह इंपैक्ट हुआ वॉल की वेलोसिटी वी थी। So, कैलकुलेट किया जा सकता है कि वॉल ने पार्टिकल को अपने रिलेटिव किस वेलोसिटी से अप्रोच करवाया। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वॉल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ वेल। अगर हम इस रिलेटिव फॉर्मूले को यूज करें तो हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी वॉल के रिस्पेक्ट में कितनी थी। तो इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी वॉल के रिस्पेक्ट में इक्वल टू पार्टिकल की वेलोसिटी इंपैक्ट के समय है v नॉट cos अल्फा i कैप। एक बार फिर इस पूरे सवाल के डिस्कशन में i कैप x एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। सो v नॉट cos अल्फा i कैप माइनस vw वॉल की वेलोसिटी v i कैप विद माइनस साइन। सो माइनस साइन के साथ ये माइनस का प्लस हो गया। So, जिस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड से इस पार्टिकल ने वॉल पे इंपैक्ट लिया वो वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वॉल इतना है। तो वॉल ने पार्टिकल को इस वेलोसिटी वेक्टर से अप्रोच करवाया। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन, अगर वॉल पे पार्टिकल टकराया इस रिलेटिव वेलोसिटी से है तो इलास्टिक कोलिजन के लिए इंपैक्ट के बाद इसी वेलोसिटी से उसे रिबाउंड होना चाहिए। So, अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिबाउंड की वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वॉल आफ्टर इंपैक्ट, इसको मैं दो टर्म एक साथ आ रहे हैं एक जैसे, तो एक को मैं बिफोर लिख लेता हूं एक को आफ्टर। नाउ वी नो बाय कंसेप्ट दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वॉल आफ्टर इंपैक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वॉल बिफोर इंपैक्ट
विद माइनस साइन, क्योंकि केवल डायरेक्शन में चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है इस समय, और वर्टिकल कंपोनेंट की हेल्प से जो टाइम से रिलेटेड क्वेरी है हम कर चुके हैं। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आफ्टर इंपैक्ट पार्टिकल की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में बराबर होगी बिफोर इंपैक्ट पार्टिकल की वेलोसिटी वॉल के रिस्पेक्ट में विद माइनस साइन, क्योंकि हमें पता है इंपैक्ट की इस प्रोसेस में डायरेक्शन चेंज होता है। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल करता हुआ दीवार से इंपैक्ट लेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंपैक्ट के बाद जाएगा। अब अगर इस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वॉल आफ्टर इंपैक्ट में मैं स्प्लिटिंग करूं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर इंपैक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ वॉल आफ्टर इंपैक्ट। इसमें आफ्टर मैं इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वॉल की वेलोसिटी कंसिस्टेंट है और हम ये मान के चल रहे हैं उसका साइज लार्जर है, यानी इस पार्टिकल के इंपैक्ट से वॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो VW इक्वल टू माइनस, और इस टर्म की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, V नॉट कॉस अल्फा प्लस V आई कैप। नाउ सो फाइनली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर द इंपैक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉल इज इक्वल टू माइनस V नॉट कॉस अल्फा प्लस V आई कैप, और इस VW को आप इस तरफ लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और VW की वैल्यू है माइनस वी आई कैप। सो माइनस वी आई कैप, और फाइनली आ गया माइनस वी नॉट कॉस अल्फा प्लस टू वी आई कैप। ये टू वी कैसे होगा आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, माइनस वी इट इज माइनस टू वी, माइनस कॉमन है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर ये टर्म आ जाएगा। यानी इंपैक्ट के बाद पार्टिकल इतनी वेलासिटी से वापिस लौटा, यहां पर ध्यान रहे पार्टिकल की वेलोसिटी इंपैक्ट से पहले और पार्टिकल की वेलोसिटी इंपैक्ट के बाद अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये गलत स्टेप होगा। जब कभी कोलिजन होता है तो जो हैवी बॉडी है जिसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है या जो ऑब्जर्वर है कह लीजिए उसके रिस्पेक्ट में इंपैक्ट से पहले और बाद की वेलोसिटी कंपेयर की जानी चाहिए। तो उस बात को ध्यान रखते हुए मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी वॉल के रिस्पेक्ट में आफ्टर इंपैक्ट और पार्टिकल की वेलोसिटी वॉल के रिस्पेक्ट में बिफोर इंपैक्ट को कंपेयर किया है। माइनस साइन लगाने का अर्थ है कि इंपैक्ट से पहले पार्टिकल की वेलोसिटी वॉल के रिस्पेक्ट में वेक्टर जो था वो इंपैक्ट के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, मैग्नीट्यूड में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इसमें फिर इसके बाद इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे ब्रेक किया दो पार्ट में और कैलकुलेट कर लिया गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी इंपैक्ट के बाद कितनी है। यानी अगर देखा जाए तो पार्टिकल की जो स्पीड है आफ्टर इंपैक्ट इतनी है और ये माइनस आई वेक्टर इसका डायरेक्शन शो कर रहा है। सो इस समय इस प्रॉब्लम को करने के लिए स्पीड ही सफिशियंट है। इस स्पीड से लौटने वाला पार्टिकल रिमेनिंग टी माइनस टी टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल मूव कर जाएगा आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वो दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी वी नॉट कॉस अल्फा प्लस टू वी इंटू टी माइनस टी, और आप जानते हैं कि पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से इंपैक्ट पॉइंट तक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टली उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रिबाउंड के समय इंपैक्ट पॉइंट से ओरिजिनल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट तक वापस जाने में। सो इन दोनों डी को कंपेयर किया जा सकता है। इन्हें कंपेयर करने पर वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा प्लस टू वी इंटू कैपिटल टी माइनस वी नॉट कॉस अल्फा प्लस टू वी इंटू स्मॉल टी। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं। अब ये टी वाला टर्म अगर इस तरफ ले आया जाए शिफ्ट कर दिया जाए तो वी नॉट कॉस ये माइनस प्लस हो जाएगा और वी नॉट कॉस अल्फा बन जाएगा टू वी नॉट कॉस अल्फा प्लस टू वी इंटू टी इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा प्लस टू वी इंटू कैपिटल टी, और फाइनली टी की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट कॉस अल्फा प्लस टू वी अपॉन टू वी नॉट कॉस अल्फा प्लस टू वी। मैं यहां टू कॉमन ले रहा हूं सो ये फाइनली आ जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा प्लस टू वी अपॉन टू कॉमन लेके वी नॉट कॉस अल्फा प्लस वी इंटू टी। सो इतने टाइम के बाद अगर ये पार्टिकल इस वॉल को इंपैक्ट देगा तो इंपैक्ट के बाद रिबाउंड होके अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये टी की वैल्यू इस फॉर्मूले से अप्लाई की जा सकती है। सो फाइनली आंसर आ जाएगा अगर मैं टी की वैल्यू अप्लाई करूं टू वी नॉट साइन अल्फा बाय जी तो टू से टू कैंसिल होके
ये फाइनल आंसर आ जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा प्लस टू वी वी नॉट साइन अल्फा अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा प्लस वी इंटू जी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये प्रोजेक्टाइल की एक सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का अगर हम की कंसेप्ट निकालें तो यहां पर हमने देखिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज लिया कि जब कभी इलास्टिक कोलिजन्स में पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज किया करते हैं हॉरिजॉन्टली किसी वॉल पे इंपैक्ट से, तो इस प्रोसेस का वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और चूंकि टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल केवल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, तो इस वजह से टाइम में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।